आपको पिछली सरकार में देखने को मिलेगा। उस दौरान कुछ बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाखों करोड़ों के लोन दिए गए, बैंकों पर दबाव डाल करके पैसा दिलवाया गया। ये आजकल नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए का जो हल्ला मच रहा है, वो पहले की सरकार में बैठे अर्थशास्त्रियों की इस सरकार को दी गई सबसे बड़ी लायबिलिटी है। मेरी दिलचस्पी ये भी जानने में है कि जब सरकार में बैठे कुछ लोगों को के द्वारा बैंकों पर दबाव डालकर कुछ विशेष उद्योगपतियों को लोन दिलवाया जा रहा था, तब फिक्की जैसी संस्थाएं क्या कुछ सक्रिय थी, कुछ कर रही थी, चेतावनी दे रही थी, वॉइस उठा रही थी? पहले की सरकार में बैठे लोग जानते थे, बैंक भी जानते थे, उद्योग जगत भी जानता था, बाजार से जुड़ी संस्थाएं भी जानती थी कि कुछ न कुछ गलत हो रहा है। ये यूपीए सरकार का सबसे बड़ा घोटाला था, कॉमनवेल्थ, 2G, कोयला, इन सभी से कहीं जड़ा बड़ा घोटाला ये बैंक के कारोबार से जुड़ा हुआ था। एक तरह से सरकार में बैठे लोगों द्वारा उद्योगपतियों के माध्यम से जनता की गाढ़ी कमाई लूट ली थी। क्या एक बार भी किसी सर्वे में, किसी स्टडी में इसकी चिंता व्यक्त की गई थी, इशारा किया गया था? जो लोग मौन रहकर सब कुछ देखते रहे, क्या उन्हें जगाने की कोशिश इस देश की किसी संस्था के द्वारा हुई थी?